हेलो दोस्तों, मैजिक यूज में आपका स्वागत है। आज मैं जो कार्ड ट्रिक दिखाने वाला हूँ वो डेविड ब्लेम की एक कार्ड ट्रिक है, बहुत फेमस सैंडविच कार्ड ट्रिक है। इस ट्रिक के लिए मेरे पास यहाँ पे स्पेक्टेटर है और मैं चाहता हूँ कि कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट कर लो और ये जो कार्ड है कैमरा को शो कर सकते हो। कैमरा को शो कर दिया, अब ये कार्ड मुझे देख लो। अब मैं इसे डेक में कहीं बीच में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब जो आपका कार्ड है वो डेक के कहीं बीच में मिक्स हो गया और अब मैं खाली एक स्नैप करूंगा और आपका कार्ड ऊपर आ गया। लेकिन ये ट्रिक यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। ये आपका कार्ड अपना हाथ ऐसे करना, ये कार्ड मैं हाथ पे रख रहा हूँ और इसे दूसरे हाथ से कवर कर लूँ, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास एक और कार्ड है, मेरा 10 ऑफ क्लब्स। अब मैं इसे लूँगा और हाथ के ऊपर से सिर्फ घुमाऊँगा और ये आपका कार्ड मेरे हाथ में आ गया और आपके वाला कार्ड चेंज हो गया। तो ये थी ट्रिक, मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी और मैं सिखाने वाला हूँ इसे करते कैसे। हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी ट्रिक। ये डेविड ब्लेन की मेरी खुद की भी पर्सनल फेवरेट का ट्रिक है क्योंकि इसका जो इफेक्ट होता है बहुत ही अच्छा लगता है। इस ट्रिक के लिए आपको सेम नंबर और कलर के दो कार्ड चाहिए। मैंने ट्रिक में 10 ऑफ क्लब यूज़ किया था, मेरे पास यहाँ पे 2 10 ऑफ क्लब है। आपको दो कार्ड चाहिएंगे सेम नंबर के अगर आपको ट्रिक करनी है तो, और दोनों का बैक सेम होना चाहिए। ऐसे आपको दोनों को स्टार्टिंग में ऊपर रखना है। नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस मर्जी नंबर के आप कार्ड ले लीजिए, मैंने 10 ली, आप कोई भी ले सकते हो। इसको ऊपर रखना है डेक के, फिर आपको स्पेक्टेटर को स्प्रेड करके कोई भी एक कार्ड सेलेक्ट करने के लिए कहना है। मान लीजिए वो ये वाला कार्ड सेलेक्ट करते हैं, ये है 8 ऑफ स्पेड्स, ठीक है। तो आपको अब एक मार्को टिल्ट करना है। मार्को टिल्ट एक तरह से इल्यूजन है जिसमें लगता तो है कि कार्ड बीच में जा रहा है लेकिन वो सेकंड पोजीशन पे जाता है। ये इजी है अगर आपको कोई और कार्ड कंट्रोलिंग आती है। आपको ये वाला कार्ड इन दोनों कार्ड के बीच में लाना है। आप किसी और तरीके से भी ला सकते हो लेकिन मैंने परफॉर्मेंस में ये किया था। जब मैंने कार्ड दिया तब मैंने इसे ऐसे स्लाइड करके यहाँ पे ब्रेक लगा ली ऐसे, फिर मैंने इस ब्रेक को थोड़ा और ऊपर एक्सपेंड कर दिया ऐसे। यहाँ पे देख रहे हो गैप बन गया, लेकिन स्टार्टिंग सामने से बिल्कुल ये नॉर्मल लगता है, यहाँ पे कुछ नहीं पता लगता लेकिन पीछे इतना बड़ा ये गैप है। फिर आपको जो उनका कार्ड है उसे ऐसे करना है, बीच में डालने की ट्राई करना है जिससे कुछ कार्ड बाहर आ जाए और सामने लगे जैसे ये कार्ड बीच में ही जा रहा है, लेकिन आपको लास्ट में आके इसे यहाँ सेकेंड पोजिशन में डाल देना है ऐसे। अब ये कार्ड जो उनका कार्ड है वो सेकंड पोजीशन पे चला गया लेकिन उनके हिसाब से कार्ड मिडल में कहीं पे है। फिर आपको डबल लिफ्ट करनी है। मैं डबल लिफ्ट नहीं सिखा रहा, डबल लिफ्ट का मैंने ट्यूटोरियल बना रखा है, आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डबल लिफ्ट में हम दो कार्ड एक साथ घुमाते हैं लेकिन लगता जैसे कि टॉप कार्ड ही घुमाया है। जैसे डबल लिफ्ट किया, अब उनका कार्ड उनके सबसे ऊपर आ गया लेकिन ये दो कार्ड है, एक 10 है और एक 8 है। तो वापस करता हूँ, डबल लिफ्ट किया 8 आ गया। उन्हें इससे तो इम्प्रेसिव लगेगा क्योंकि उनका कार्ड ऊपर आ गया, लेकिन इसके बाद आप और भी देख सकते हो जो असली में इफेक्ट आएगा। फिर आपको इसे वापस रखना है, इस बार आपको ऊपर वाला कार्ड देना है, ये 10 है लेकिन उनके हिसाब से उनका कार्ड है और उनको हाथ पे ऐसे रख सकते हो और दूसरे हाथ इसे कवर कर सकते हो। मैं एक बार साइड में रख देता हूँ इस कार्ड को। फिर आपको जब वो एक कार्ड हाथ में रख रहे होंगे आपको फिर से डबल लिफ्ट करनी है। ये मैंने पिंकी काउंट करके दो कार्ड किए और इनको फ्लिप किया। अब मैं कहूँगा ये नेक्स्ट कार्ड ये है 10 ऑफ क्लब, ये दो कार्ड है और उनका कार्ड इसके पीछे है। नेक्स्ट कार्ड 10 ऑफ क्लब और इसे वापस फ्लिप कर दूंगा। अब मेरे पास उनका जो कार्ड है वो है और उनके पास 10 ऑफ क्लब पहले से ही है। मैं डेक को साइड में रखता हूँ। अब ये जो कार्ड मैंने उनको दिया था 10, उनके हिसाब से ये 8 है और 8 वाला उनके हिसाब से 10 है। तो मुझे कुछ नहीं करना, बस थोड़ा सा ऐसे ऊपर कुछ भी वेव कर सकते हो या कोई मैजिकल वर्ड्स बोल सकते हो और उन दोनों कार्ड उनके हिसाब से एक्सचेंज हो जाएंगे। तो ये थी ट्रिक, मुझे उम्मीद आपको अच्छी लगी होगी और आप डबल लिफ्ट का ट्यूटोरियल जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।